वाले शायद आपको ऐसा नहीं देते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट वाला ऐसा देते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं कटलेट, तो उसके लिए सबसे पहले डालेंगे, उसके बाद डालेंगे हम ऑनियंस, अब इसमें डालेंगे हमने चौथ कैरेट किया हुआ है, कैरेट डाल देंगे। उसके बाद डालेंगे हम बीन्स, बीन्स इस साइज में काटना है छोटे छोटे। ये वेजिटेबल्स को हमें बहुत ज्यादा पकाना नहीं है, इसको क्रंची रखना है। फिर डालेंगे हम बीटरूट, बीटरूट को भी सेम कटिंग करनी है। वन फोर्थ टीस्पून जिंजर और हाफ टीस्पून ग्रीन चिल्ली। अब ये डालेंगे हम हाफ कप मटर, ये फ्रोजन वाले हैं, फ्रेश फ्रोजन कुछ भी डाल सकते हैं। आप कब डालेंगे हम रेड येलो ग्रीन कैप्सिकम, आपका ग्रीन ग्रीन है तो वो भी चलेगा। वेजिटेबल्स क्रंची होनी चाहिए, अपने को वेजिटेबल बहुत ज्यादा पकाने नहीं है। वन फोर्थ टीस्पून डालेंगे हम जीरा, और चुटकी भर हींग, काला नमक, रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून, कश्मीरी पाउडर 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 1/4 हल्दी पाउडर। अब इसको मिक्स करेंगे। 1/4 टीस्पून हम चाट मसाला डालेंगे और लास्ट में डालेंगे, फाइनल में डालेंगे हम कोरिएंडर, धनिया पत्ती। क्योंकि हमने ब्लैक सॉल्ट डाला हुआ है तो व्हाइट सॉल्ट हम कम डालेंगे। अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे ठंडे होने के लिए प्लेट पे। इसको होने देते हैं ठंडे, जब तक ये ठंडा होता है हम सैलरी रेडी कर लेते हैं इसकी। अब इसकी सैलरी यानी कि बैटर बनाएंगे, उसके लिए हम कॉर्नफ्लोर लेंगे 3 टीस्पून, ऐड कर देंगे। सैलरी में हम धीरे धीरे पानी डालेंगे, इसका बैटर बनाना है। बैटर बहुत ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। ये सैलरी अपनी रेडी हो गई है, ये कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए इसकी, इससे पतला नहीं होना चाहिए और इससे ज्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप बताते हैं आपको। अब हमारे वेजिटेबल्स हो चुके हैं ठंडे, तो इसको हम एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे। अब इसमें हमें ऐड करना है आलू, ये मैंने आलू मैश कर लिए, ये ऐसे पतले हो।
होने चाहिए बिल्कुल। तो आप इसको ग्रेट कर सकते हो, हाथ से भी नवा सकते हो बहुत बारीक करके। ये हमने इसे मिक्स कर दिया वेजिटेबल के साथ, मिक्स कर देते हैं थोड़ा। चीज भी ऐड कर सकते हैं, पिज्जा चीज, अमूल चीज, उससे और टेक्सचर अच्छा आएगा। अब फाइनल में हम डालेंगे ब्रेड क्रम्ब। इसकी कंसिस्टेंसी देखनी है ब्रेड क्रम्ब डालते समय, तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कितना ब्रेड क्रम्ब डालना है। ऑलमोस्ट अपना रेडी हो चुका है अभी। अब इसको चेक कैसे करना है कि अपना अच्छा बना है नहीं बना, हम ऐसे गोले बनाएंगे इसके, तो ये हाथ में नहीं चिपकना चाहिए। अगर ये हाथ में चिपकता है तो आपका मिक्सचर सही नहीं बना है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। फाइनल में हम डालेंगे लेमन। हमें कटलेट बनाने का जो शेप देने का तरीका है वो बताता हूँ आपको। जैसे हम मोदक बनाते हैं तो सेम स्टाइल में इसको उस शेप में लेके आना है, मोदक शेप में। उसको हम ऐसे शेप में रहेगा तो इसको हम हल्का सा प्रेस कर देंगे तो ये शेप आ जाएगा, हल्का सा साइड से हम उसको दबा सकते हैं, ये परफेक्ट शेप रहेगा। ऐसे हम कटलेट लेंगे फोक में, ऐसे जो हमने सैलरी बनाई है उस पर डाल देंगे, वैसे उसके ऊपर में डालेंगे थोड़ा। तो या तो इसको आप पलट सकते हो ऐसे, इसमें जो एक्स्ट्रा बैटर है उसको निकलने लीजिए। उसके बाद डालेंगे हम ब्रेड क्रम्ब में। ब्रेड क्रम्ब में डालने के बाद हल्का सा उसको प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। ये ऐसा दिखना चाहिए, पूरे ब्रेड क्रम्ब आने चाहिए उसके। ओके, ऐसे हम सारे बना लेंगे। टेम्परेचर होगा ऑयल में T सेल्सियस, इसका टेम्परेचर होना चाहिए। ऑयल को बहुत ज़्यादा हीट नहीं होना है और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं होना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट होगा तो अंदर से ठंडा रहेगा और बहुत कम हीट रहेगा, ऑयल ठंडा रहेगा तो ये ऑयल पी लेगा। तो इसलिए अपने पास क्या कढ़ाई बड़ी है तो मैं सारे डाल रहा हूँ, तो आपके पास छोटी कढ़ाई होगी तो 3-4 पीस डालना है। गैस में, क्योंकि अपना मीडियम से भी कम हीट है तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। अभी कटलेट अपने हो गए रेडी प्लेटिंग के लिए। ये कलर आना इसमें बहुत जरूरी है, गोल्डन ब्राउन। ये मैंने क्या प्लेटिंग की हुई है, तो अपना जो चैनल का नाम है टिप ऑफ फूड, ये हल्की सी प्लेटिंग आप भी कर सकते हो जब आपके मेहमान आते हैं घर पे, तो ऐसा करके देंगे तो खुश हो जाएंगे। जाएगी अपनी ग्रीन चटनी और आप मेयोनीज भी ले सकते हैं। ये रेलवे कटलेट है तो ये रहा मेयोनीज। अब इसमें हम लास्ट में डालेंगे कोरिएंडर। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा ऊपर से धनिया। वो रेलवे वाले शायद आपको ऐसा नहीं देते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट वाला ऐसा देते हैं। अब ये प्लेट होगी अपनी टेस्टिंग के लिए रेडी। अब इसको करेंगे हम टेस्ट। तो आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।